आज हम आ गए हैं इंदौर। इंदौर जाना जाता है सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी इंडिया की, और एक चीज के लिए और जाना जाता है, वो है फूड कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी हम पहुंच गए हैं मधुरम स्वीट्स पे। चलिए अंदर चलते हैं, अंकल जी से बात करते हैं, उनकी लेगेसी के बारे में पूछते हैं, कितनी पुरानी शॉप है, कितने टाइम से लोगों तक यहाँ पे जायका पहुंचा रहे हैं, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। अंकल जी नमस्ते, जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। अंकल जी क्या क्या मेरी ऑडियंस को यहाँ पे आप दिखाने वाले हैं, कितनी पुरानी शॉप हो गई, कितनी पुरानी लेगेसी हो गई अंकल? लगभग 45 साल से हम लोग दुनिया का मीठा मुंह करवा रहे हैं, और पूरी दुनिया के पब्लिक आती है, फिल्मी स्टार सब आते हैं मेरे यहाँ, क्रिकेट खिलाड़ी सब आते हैं, दुबई, लंदन, पेरिस, हर जगह से बाहर के मेंबर आते हैं, उनको बराबर हमारे यहाँ की मिठाइयाँ खिलाते हैं और हर वेराइटी का टेस्ट कराते हैं। ये जो वर्ल्ड प्रख्यात हमारे यहाँ की चिकन जी है जी, बिल्कुल, ये दूध की बनती है, ये दही का लस्सी होता है, दूध का लस्सी है, इसको 12 घंटे बनने में लगता है, इतना टाइम ठंडे होने में लगता है। दूध, केसर, इलायची, जायत्री, जायफल, किशमिश, मट्ठा मिक्स है, इसको पूरा कंप्लीट होता है 12 घंटे, उसके बाद 12 घंटे ठंडे होने लगता है, उसके बाद पीने योग्य बनती है, उसके बाद पीने योग्य जी, बिल्कुल। इसका नाम अमृत पे चिकन जी, पूरा नाम क्या नाम है अंकल जी? अमृत पे चिकन जी, अमृत पे चिकन जी इसका नाम है। एक हमारा यही है शुगर केन रसमलाई, गन्ने का रस और गिर का दूध से बनती है। ये देखिए, मतलब एक्चुअली मैं जम्मू घूम लिया, अमृतसर घुमाया, हरिद्वार घुमाया, ऐसा जायका मतलब मैंने पहली बार देखा है, गन्ने की रस से तैयार हुआ है ये। और ये देखिए अंकल जी ने मेरे मुँह में बाइट ही दे दिया है, वाह जी वाह, बेहतरीन, सुपर सुपर क्रीमी क्वालिटी, तो मतलब बस अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। और क्या अंकल जी, और क्या ऑडियंस तक पहुँचाने वाले हैं? आप चिकन जी पी के देखिए, ये जरूर पियेंगे अंकल जी, हम इसको भी आप पी के मजा लेंगे तो आनंद आए। चलिए जैसे क्या इसको भी पी के देखते हैं, मतलब इतनी रिच है ना, मतलब मैं आपको, मैंने चांदनी चौक में रबड़ी पी थी, उसके बाद आज यहाँ पी है, मतलब उससे भी ऊपर मेरे को जायका आया, इतनी क्रीमी है ना, मतलब अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट, सबसे बेहतरीन क्रीमी रबड़ी ये लस्सी आने वाली है, मज़ा आ गया। दूध का लस्सी है, इसका नाम चिकन जी बोलते हैं। यहाँ पे मैं पहले भी बता रहा था कि यहाँ पे जो ये रबड़ी, दिल्ली में हम लोग इसको रबड़ी बोलते हैं दूध की, यहाँ पे इंदौर में इसको शिकंजी कहा जाता है। हमारे यहाँ की बालूशाही बड़ी प्रख्यात है, बालूशाही का जायका जी, हाँ बहुत बेहतरीन लग रहा है पूरे। और अंकल जी थोड़ा सा इसके साथ साथ थोड़े प्राइस भी बता जाता है, ताकि लोगों को प्राइस का भी आइडिया लगे। ये लगभग 200 ग्राम का है, 100 रुपए का गिलास है, 100 रुपए गिलास रहने वाला, और ये करीबन 125 ग्राम का है, ये 90 रुपए का है, 90 रुपए का रहने वाला। और मिठाई के क्या रेट्स रहने वाले हैं? हमारे यहाँ घेवर, जो मारवाड़ी घेवर है, ये बड़ा प्रख्यात है, बहुत प्रख्यात, सबसे छोटा मैंने हिंदुस्तान में चालू मैंने ही करा, इससे पहले बड़े बड़े घेवर बनते थे। मतलब हमारे हरियाणा में, जैसे मैं सोनीपत से हूँ, हमारे हरियाणा में बहुत बड़े बड़े घेवर बनते हैं, ये देखिए आप, इतना छोटा घेवर लिटरली मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ का एक ड्राई फ्रूट लड्डू है, ये ग्लूकोज से बनता है, गुलकंद से तैयार होता है, ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज से तैयार जी सर, ये शुगर लेस है, बिल्कुल शक्कर का मरीज भी खा सकता है, जिसको मिठाई नहीं खाना वो भी खा सकता है, मतलब शुगर फ्री है, शुगर फ्री, शुगर फ्री ये लड्डू है। और एक बादाम खजूर है, ये भी काफ़ी बाहर जाती है, हिंदुस्तान वाले भाई लोग सब बाहर भेजते हैं, तो मतलब जो लोग बाहर से मंगवाना चाहें वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अंकल जी का नंबर भी डाल दूंगा, अगर कोई इंडिया में भी रह के मंगवाना चाहता है अंकल जी को फ़ोन करिए, आपके पास डिलीवरी हो जाएगी, और बाहर तो लोग मंगवाते ही हैं, बिल्कुल मंगवाते हैं, पूरा हिंदुस्तान से छोड़ के पूरे वर्ल्ड में जाता है सब कुछ। ये मावे और घी की मिठाई हैं, करीबन सब 500 रुपये किलो है, ये मोतीचूर का लड्डू है, ये मोतीपाक है, और ये बर्फी है, काफ़ी लोग लाइक करते हैं। ये मेरे को पेड़ा लग रहा है, उधर पेड़ा है, ये पेड़ा है, पेड़ा है, ये छिका हुआ पेड़ा है, इसकी उम्र ज़्यादा होती है, लंबा टाइम टिकता है। एक जायका और मेरे को पहुंचाया गया, वो है अंकल जी क्या नाम दिया इसको? दही पूड़ी बोलते हैं, इंदौर में इसको दही पूड़ी बोलते हैं, इसको टेस्ट मैं ज़रूर करने वाला हूँ, बेहतरीन चटनी का फ्लेवर आया अंकल जी, एक मेरे को जो चटनी ज़रूर, इमली चटनी है जी, जी इमली का चटनी है, देखा जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक इमली की चटनी, दही, ये जो इंदौर में बूंदी है वो बहुत बेहतरीन जायका, टमाटर प्याज डले हुए हैं, चुकंदर डले हुए हैं, सेब डले हुए हैं, सेब के बिना तो इंदौर में सब कुछ अधूरा है, बहुत बेहतरीन।
तो आप भी कभी यहाँ पे आए, ये जायके जरूर जरूर टेस्ट करें अंकल जी के पास आके। जैसे कि मेरे को अंकल जी ने पहले बताया कि यहाँ पर सारी सेलिब्रिटीज आए हैं, भैया से बात करते हैं। भैया कौन कौन यहाँ पे शॉप पे आके विजिट कर चुका है? सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, जैसे अभी रिसेंटली अक्षय कुमार आए थे, बहुत सारे सारा अली खान आए थे, विकी कौशल आए थे। ये देखिए, मतलब इस शॉप इंदौर की इतनी फेमस, इतनी मतलब पुरानी शॉप है कि यहाँ पे सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, अभी मेरे को अंकल ने पीछे बताया कि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में विराट कोहली भी आके गए थे। तो मतलब इतना पुराना जायका लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आप भी कभी आएँ इंदौर में तो यहाँ पे आके ज़रूर ज़रूर टेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग यहाँ पे आएँ, ऐसे ऐसे जायके देखें। थैंक यू सो मच।